एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करते हुए अपने मेहमानों के पास हम चलेंगे। खारकीव को लेकर विदेश मंत्रालय की नई एडवाइजरी यहां पर सामने आई है। फौरन खारकीव छोड़ें। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि हर हाल में तत्काल वो खारकीव छोड़ दें। खारकीव ये वो हिस्सा है जहां पर रूस की बमबारी लगातार जारी है। पुलिस विभाग की इमारत पर खारकीव में आज ही रूस ने हमला किया है। नेशनल यूनिवर्सिटी की इमारत को भी तबाह कर दिया गया है। राजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कल हम सबने देखा था कीव को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी, और आज खारकीव को लेकर कहा जा रहा है कि तुरंत जो भी भारतीय अगर खारकीव में है वो तुरंत उस इलाके को छोड़कर बाहर निकलें। क्या है संकेत इसके, राजेश? देखिए चित्रा, इस एडवाइजरी का अभी कोई मायना नहीं है। खारकीव में लड़ाई पिछले लगभग 50 घंटे से चल रही है, भीषण लड़ाई चल रही है, और वहां जो लोग हताहत होने थे, जो नुकसान होने थे, जिसमें एक भारतीय छात्र भी शामिल है, वो हो चुका है। इस एडवाइजरी का इस वक्त कोई मतलब नहीं है। ये कॉमन जो ग्राउंड पे रह रहा आदमी, उसे भी पता है कि खारकीव में रहना अभी इम्पॉसिबल है। तो इस एडवाइजरी का मेरी समझ से इस वक्त कोई मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। ओवर टू यू। खारकीव में अब कुल कितने लोग होंगे? विश्वंभर दयाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। विश्वंभर है जी। अच्छा राजेश जी, वो मुझे बता मारियोपोल का क्या हाल है? मैं क्योंकि देख, अगर खेरसन गया और खारकीव जैसे आप बता रहे गया, तो मारियोपोल का क्या हाल है? और दूसरा सवाल इसी के साथ, अगर मारियोपोल भी गिर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं इस वार्तालाप में जो उसके बाद क्या कीव पे रियली अटैक की जरूरत पड़ेगी, या साइकोलॉजिकली और प्रोपेगेंडा के थ्रू टॉक्स में ये लोग घबरा जाएंगे यूक्रेनियंस? राजेश देखिए सर, जो मारियोपोल है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरा इलाका रूसी कब्जे में है। ऑलरेडी रूस ने यूक्रेन को अजोव सी, अजोव समुद्र जो है, जो मारियोपोल पे जिसका पोर्ट है, वो ऑलरेडी रूस के कब्जे में है। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी तक। और पूरे पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या इसके बाद कीव की जरूरत है? नहीं है, कीव की जरूरत हमेशा रहेगी। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। कीव ना सिर्फ राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का, कीव एक पॉलिटिकल नर्व सेंटर है। हर चीज यूक्रेन में कीव से शुरू होती है। पूरा रूस, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जितना भी स्लाविक रूस है, वो कीव रूस से शुरू हुआ था। कीव शहर, जो शहर की महत्ता है, वो पूरे स्लाविक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और कीव जब तक खड़ा है, कीव जब तक रूसी कब्जे में नहीं आता पूर्णतः से, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और इसमें जो है नुकसान होता रहेगा। और सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन को पकड़ने से उनको टेबल पे नेगोशिएशंस में उनको कोई क्लेरिफिकेशन होने वाला नहीं है। बिल्कुल राजेश, मैं भी मानता हूं कि कीव का गिरना जरूरी है। मेरा कहने का क्वेश्चन ये था कि इसके बाद ऐसा तो नहीं कि नेगोशिएशंस के थ्रू ही कीव से जेलेंस्की और ये लोग पीछे हट जाएं, क्योंकि कीव के बगैर यूक्रेन की कोई वो नहीं है। मैं मानता हूँ कीव के बगैर किसी किस्म की कोई यूक्रेन की पहचान नहीं है, और कीव बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, पर क्या कीव पे फिर ये रियली कीव को भी डिस्ट्रॉय करवाएंगे, या जेलेंस्की कुछ और पीछे हट जाएगा? इस वक्त कीव से कितनी दूरी पर है, इसके बारे में भी बताइए आप। राजेश क्या फीलिंग है आपकी, क्या फीलिंग है वहाँ? देखिए सर, मैं आपका पहले जवाब दे दूं। कीव जो है, अभी जो आज शाम की नेगोशिएशन होनी है, जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होना है बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पे, जेलेंस्की ने एक ऑफर की है। ये रशियन मीडिया में आ रहा है, मेरा सोर्स सिर्फ रशियन मीडिया है। इसमें जेलेंस्की ने ऑफर किया है, अगर रूस अनकंडीशनल सीज फायर कर देता है इस वक्त, तो जेलेंस्की खुद इन पर्सन उस नेगोशिएशन के लिए, उस वार्तालाप के लिए जाने को तैयार है। और रूस की तरफ से अभी सीज फायर होना मुश्किल है, क्योंकि जो पूर्वी यूक्रेन है उसमें उसने फुल फ्लेज्ड इन्वेजन लॉन्च कर दिया है अपनी पूरी ताकत के साथ। तो इस वक्त मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रूस के लिए सीज फायर करना मुश्किल है, क्योंकि जो उसने बढ़त बनाई है या जो स्ट्रेटेजी के साथ वो चल रहा है, उसमें उसको काफी नुकसान होगा बाद में, और वो स्ट्रेटेजी फेल होने के चांसेस है। इसलिए रूस के लिए सीज फायर मानना इस वक्त मुश्किल है। दूसरा, चित्रा का सवाल जहां तक है जी, रूस की सेनाएं कीव से कितनी दूर हैं? जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो अमेरिकन मीडिया के थ्रू है, जो ने सैटेलाइट इमेजेस से ली है, कि रूस का काफी बड़ा मैकेनाइज कॉलम, बहुत बड़ा मैकेनाइज फौज का दस्ता इस वक्त कीव के उत्तर में लगभग शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त है। ओवर टू चित्रा।